और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव का आज पांचवा चरण है, जिसमें 12 जिलों की 61 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। अयोध्या, प्रयागराज, अमेठी, रायबरेली, ये वो मुख्य सीटें हैं जहां पर सुबह 7 बजे से मतदाता लंबी लंबी कतारों में मतदान बूथों पर पहुंचे हुए हैं और मतदान कर रहे हैं। इसी बीच एक बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है अमेठी से, जहां कांग्रेस प्रत्याशी विजय पासी का विरोध हुआ है। अमेठी के जगदीशपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस प्रत्याशी विजय पासी का विरोध हुआ है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सवर्ण समाज के लोगों ने अपशब्द कहे हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की, मतदान करने पहुंचे थे कांग्रेस प्रत्याशी और इसी दौरान एक वीडियो भी सामने आया है, वीडियो भी आपको सुनाएंगे। सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव कर मामला किसी तरह से शांत कराया। बड़ी जानकारी इस वक्त की अमेठी के जगदीशपुर से मिल रही है, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी का विरोध हुआ है। विजय पासी इनका नाम बताया जा रहा है, कांग्रेस प्रत्याशी है विजय पासी, जिनका विरोध हुआ, गाली गलौच करते हुए वीडियो भी सामने आया है। सवर्ण समाज के लोगों ने अपशब्द कहे। दरअसल मतदान करने पहुंचे थे कांग्रेस प्रत्याशी, उसी दौरान ये झड़प हो गई। सुरक्षा कर्मियों ने बीच बचाव कर पूरे मामले को शांत कराया है, वो वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं और सुनवाते भी हैं। तो अमेठी का जगदीशपुर, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी विजय पासी का विरोध हुआ, गाली गलौज का वीडियो भी सामने आया है। सुरक्षा कर्मी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने किसी तरह से बीच बचाव किया और पूरे मामले को शांत कराया है। तो वीडियो आपने सुना, ये कांग्रेस प्रत्याशी विजय पासी का विरोध हो रहा था, उसी दौरान ये वीडियो किसी ने बना दिया और सोशल मीडिया पर तेजी के साथ ये वीडियो अब वायरल हो रहा है। गाली गलौज करते हुए यहाँ पर बताया जा रहा है कि सवर्ण समाज के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने यहाँ पर अपशब्द कहे हैं, जिसके बाद मामला गरमाता हुआ नजर आया। हालांकि वहां पर सुरक्षा कर्मी तैनात थे, उन्होंने किसी तरह से बीच बचाव कराया है, मामले को शांत कराया है। ये वो वीडियो है जो तेजी के साथ अब वायरल हो रहा है। तो अमेठी के जगदीशपुर से वीडियो सामने आया, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी विजय पासी मतदान करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां पर हंगामा खड़ा हो गया, अपशब्द कहे गए, जिसके बाद वीडियो भी सामने आया है, वीडियो वायरल हुआ है। सुरक्षाकर्मी बीच बचाव करने की कोशिश करते रहे और किसी तरह से मामले पर काबू पाया गया है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, अमेठी से जगदीशपुर, जहां से कांग्रेस प्रत्याशी विजय पासी, जिनका विरोध हुआ और पूरे मामले में गर्माहट जो है वो देखने के लिए मिल रही थी, लेकिन सुरक्षाकर्मी यहां पर मौजूद और किसी तरह से मामले को शांत कराया है। तो न्यूज़ वन इंडिया की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर बनी हुई है, चुनावी कवरेज लगातार दिखा रही है, पल पल की अपडेट, पल पल की तस्वीर आपके सामने। तो यूपी का रण है और पांचवा चरण है, जिसको लेकर सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। आपको बता दें कि 61 सीटें हैं 12 जिलों की। 2017 की हम बात करें तो यहाँ पर 50 भाजपा के खाते में गई थी, 5 सपा के खाते में और 3 बसपा के खाते में, तो वही 1 कांग्रेस के खाते में गई थी। 2 निर्दलीय के खाते में यहाँ पर सीटें गई थी 2017 का, ये परिणाम आपको मैं बता रही हूँ। और 2022 को लेकर भी कांटे की टक्कर देखी जा रही है। तो सुबह से ही न्यूज वर्ल्ड इंडिया पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। 692 उम्मीदवार मैदान में, जिनकी किस्मत का फैसला आज ईवीएम में कैद हो रहा है। तो प्रयागराज, अमेठी, सुल्तानपुर, चित्रकूट, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, रायबरेली, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बाराबंकी, अयोध्या, रायबरेली, ये वो जिले है जहां पर आज मतदान हो रहा है। और ये जो चुनावी शोर है लगातार सुनाई दे रहा है, जिसमें तमाम ऐसी सीट है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन पर सभी की नजर बनी हुई है। कई ऐसे बड़े चेहरे हैं जिनकी
साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। किनके बीच कांटे की टक्कर है और कौन कौन मैदान में है वो आप टेलीविजन स्क्रीन पर इस टैली को देखकर समझ सकते हैं।